हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज बिहारी व्लॉग। नमो नमो। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक ही होंगे। तो आपका हमारे नए व्लॉग में आज स्वागत है। आप हमारा व्लॉग देखिए। ये देखिए, ये कैसे बच्चे आज मेरे खेल रहे हैं। ये अपनी सारी गाड़ी लेके आ गया ऊपर। कितना इन लोगों ने परेशान कर दिया है मुझे। अभी मैं इनको खाना दे के ऊपर आई थी कपड़े उतारने के लिए, और ये भी मेरे पीछे पीछे घूमने आ गया है। मैंने सोचा कपड़े ही उतारने चली जाती हूँ। ये देखिए अस्टी को, इन लोगों को सोना नहीं है। ऊपर इतनी तेज़ धूप हो रखी है और ये आ गए हैं यहाँ दोनों। ये अपनी ये गाड़ी वाड़ी उठा के लेके आया है माधव। चलो अब ऊपर आ गए हैं तो थोड़ा सा काम ही कर लेती हूँ। ये मैंने सोचा पेड़ की आज नुलाई कर देती हूँ। ये पेड़ नुला रही हूँ मैं। इनमें थोड़ा खाद डाला था, पानी भी नहीं दिया है, काफ़ी टाइम हो गया है इनमें। ये बेल का पेड़ है, ये देखिए कितने अच्छे फूल आ रहे हैं इस पर, कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी थोड़ा सर्दी की वजह से पेड़ थोड़े सूख गए हैं, पत्ते भी झड़ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे फूल है। ये पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे फूल गिर रहे हैं। ये मेरी तुलसा है, ये तुलसी का पौधा है। ये देखिए हमारी तुलसी भी पूरी सूख गई है, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। ये देखिए इसमें क्या क्या जम गया है। ये फ्रेंड्स, हमने शालिग्राम का हमने वो किया था। अब वहीं पे ही रखो इसको, और ऐसे उठाते नहीं है, रखो वहीं पे ही। ओके, माधव मांग रहा है खुरपी। माधव, आप खुरपी मांग रहे हो? माधव को खुरपी चाहिए, माधव करेगा नुलाई पेड़ की। फ्रेंड्स आप ये देखिए, अस्थी कह रही है फ्रेंड्स कि मैं कर दूंगी। ये श्यामा तुलसी है, ये राधा तुलसी है, दो तुलसी लगी हुई है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं गेंदे के पेड़ लगे हुए हैं। जहाँ पे जहाँ सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे गेंदे के ही फूल लगे हैं एक्चुअली ना। आप देख सकते हैं कितने सारे गेंदे के फूल। और आपको पता है इतने अच्छे अच्छे इतने फूल खिल रहे थे ना, इन्होंने ना ये दो, एक अस्टी और एक माधव, इन्होंने इतने सारे पेड़ फूल तोड़ दिए ना। ये देखिए अभी इनमें और पानी भी देना है। ओके, ये देखिए ये बहुत अच्छा पेड़ है, लेकिन अभी इस पे फूल नहीं आया है। ये मेरे बच्चों ने तोड़ तोड़ के यहाँ पे डाल रखे हैं। अरु अस्सी हट जाओ बेटा, नहीं ऐसे नहीं करते। अस्सी माधव, ये देख लो, देखो ये कितने शैतान बच्चे हैं, बिल्कुल कुछ काम करने ही नहीं देते हैं। कितना परेशान करके रखा है इन लोगों ने। मम्मी छत धोए आज। ये अरु बाल्टी लेके आई है, अब बाल्टी से डालेंगे। पाइप एक्चुअली वहां तक नहीं जा रहा है, क्योंकि ये बच्चे भी लगे हुए हैं इधर परेशान करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी इसमें भी डल गया। तो फ्रेंड्स अभी मम्मी इसमें डाल रही हैं, अभी इसमें पाइप से डाल दिया। आप देख सकते हैं ये पाइप और ये इधर से जा रहा है इसमें, उस धनिये में देख सकते हैं आप। और अभी यहाँ पे भी बच्चे, यहाँ पे भी इसको पड़ रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। अभी उसमें भी चला गया ये, यहाँ पे पेड़ नुलाई करती है। ये जो भी एक्स्ट्रा निकला है इसमें से मैंने इधर फेंक दिया है। ये मेरा गेंदे का पेड़ है, अभी इस पर फूल आए नहीं है, एक ही फूल आया है, चल रहा है। ये देखिए कितना सुंदर पेड़ है। ये थोड़ा जैसे क्या बोलते हैं इसको, सॉपिस टाइप, काफ़ी अच्छा पेड़ है। इस पर पीले ये पिंक पिंक पत्ते ही आते हैं, बस पत्ते इस पर इस तरह के आते हैं, ग्रीन और पिंक पत्ते, बहुत सुंदर लगता है। जब अभी थोड़ा पतझड़ की वजह से ये क्या कहते हैं सारे पत्ते इसके झड़ गए हैं, तो अभी ये आए हैं नए। देखिए आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े पत्ते आ रहे हैं इस पे, छोटे छोटे। एक पेड़ ये है, इसमें दो पेड़ लगे हैं।
मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। ये मेरा गुड़हल का फूल है, इस पे ऑरेंज कलर के गुड़हल आते हैं। ये पाम है, मैंने इनमें खाद डाला हुआ है बहुत अच्छे से, हम मतलब कुछ मैंने वैसा देसी खाद भी डाला है और कुछ वैसा भी खाद डाला है जो बाजार वाला आता है। ये देखिए इसके भी पत्ते झड़ गए हैं, ये भी बहुत सुंदर पेड़ है, अभी पत्ते आने वाले हैं धीरे धीरे। ये समी का पेड़ है, इस पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पता नहीं काट है इसमें, ये सारे ये सूख गया है, अभी दोबारा मोल चलेगी, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। ये भी है एंड ये कहीं का मम्मी, ये 100 पीस का इस टाइप से पेड़ है, कुछ बोलते हैं इसको फ्रेंड्स आपको पता है इस तरह का पाम है, मतलब इस तरह के पाम भी होते हैं फ्रेंड्स आपको पता है। इससे हम क्रिसमस ट्री बनाते हैं, जब क्रिसमस आता है हम सेलिब्रेट करते हैं और इससे क्रिसमस ट्री बनाते हैं। ये गुलाब का पेड़ है फ्रेंड्स, आप ये गुलाब का पेड़ है, इस पर पिंक कलर के गुलाब आते हैं, अभी एक फूल मैं तोड़ चुकी हूँ इससे, अभी दोबारा नहीं आया है, ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो इनमें दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इनमें पूरी इनकी देखभाल करनी पड़ती है, इनमें पानी देना डालना पड़ता है। अभी जैसे आगे आगे गर्मी आनी शुरू हो जाती, देखभाल करनी पड़ती है, आप भी ऐसे ही करते होंगे, इनको नुलाना पड़ता है, इनमें खाद पानी सब डालना पड़ता है तभी ये चलते हैं, अदरवाइज ये सूख जाएंगे। ये देखिए बहुत पाप भी करते होंगे ये। ये देखिए ये इधर इतना सुंदर फूल आया हुआ है गुलाब उसका गेंदे का, और यहाँ पे भी देख सकते हैं फ्रेंड्स आप कितने कितने सारे आ रखे हैं यहाँ पे, एक ये है एक ये है, कितने सुंदर सुंदर है, मतलब फूल के तो कुछ कहने ही नहीं है। ये देखिए वाह कितना प्यारा फूल है, ये हमारी मनी प्लांट है, ये हमारी एक अपराजिता की बेल है, इस पे पूरे महीने में एक बार ही फूल आते हैं, पूरे साल में एक महीना ही फूल आते हैं। ये शिव जी को बहुत ही पसंद है, ये शिव शंकर भगवान पे चढ़ाई जाती है, देख इसके बीज देख सकते हैं आप, इसमें बीज बने हुए हैं, ये देखिए वाह कितना सुंदर फूल है ये, बहुत ही सुंदर। एक पेड़ ये है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, फूल के तो मतलब कुछ कहने ही नहीं है। फूल और पेड़ पौधे हमारे जीवन में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है, सुबह ही भगवान को भी चढ़ते हैं फूल, और क्या इनसे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इन्हें देख के अच्छा लगता है, घर में शांति बनी रहती है, खुशहाली आती है। ये देखिए ये पेड़, इसमें ये भी गुड़हल का है और ये मेरा इसी में लगा हुआ है एक पेड़ गुलाब का, दोनों पेड़ चल रहे हैं काफ़ी अच्छे से, काफ़ी फूल भी आ चुके हैं गुलाब के फूल पे। ये चांदनी का पेड़ है, इस पे वाइट कलर के फूल आते हैं फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना चांदनी रात में। ये देखिए ये गुड़हल का फूल है, इस पे काफ़ी गुड़हल के फूल आ चुके हैं, गुड़हल का पेड़ है ये। ये पाम है, इधर एक पाम ये लगाया हुआ है मैंने, इसमें आखे का पेड़ भी है, आप भी अपने घर में ये आखे का पेड़ लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है लगाना घर में। वाह बहुत ही सुंदर, ऐसे सॉफ्ट डले हुए हैं, ऐसे सॉफ्ट डले हुए हैं देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, पहले ही चलते थे मगर अब नहीं चलते। तो फ्रेंड्स अभी मम्मी ने इन सब में तुनाई करती है, तो अभी मम्मी देने जाएगी ये पानी, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी फर्स्ट इसमें डालेंगे। ये तो दिखता है, ये देखो मम्मी कितने अच्छे से केयर करती है, मतलब अपने बच्चों जैसे ही केयर करती हैं, अगर इनका एक भी फूल टूट गया ना ये हमें गुस्सा करेंगे कि तुमने सारे फूल तोड़ दिए मेरे, तुम्हें पता है इतनी मेहनत लगती है मेरी।
फ्रेंड्स पेड़ पौधों में तो लगती ही इतनी मेहनत है वैसे भी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पौधों को भी मजे आ रहे हैं, इनको भी खाद पानी चाहिए होता है जैसे हम लोग खाना खाते हैं, कि इनमें भी बेचारों में जान है। ये भी ऐसे ही तभी बड़े होंगे जैसे हम अपने बच्चों की केयर करते हैं, ऐसे ही हमें पेड़ पौधों की भी केयर करनी चाहिए, तभी ये हमें फल देंगे, तभी ये हमें फूल फल देंगे, मतलब बहुत कुछ ऑक्सीजन देंगे। हमें अपने पानी डालना चाहिए इनमें पेड़ पौधों में। मम्मी मुझे कहते हैं कि पानी डाल दे पानी डाल दे, बच्चे तो कुछ काम करते ही नहीं है इस तरह का, कुछ अच्छा काम कर ले। फ्रेंड्स मैं करती हूँ कभी कभार, एंड ये लास्ट। तो जी अपने हमने सब में पानी डाल दिया है दोस्तों, सब में अच्छे से नुलाई कर दी है, खाद में मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी, काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं पेड़। अभी थोड़ा पतझड़ का मौसम था तो इसलिए ये वैसे हो गए थोड़े, अब और अच्छे से चलना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए कहीं कहीं मोल चल दिए थे, ठीक है। तो दोस्त तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में लिखे यस। धन्यवाद दोस्तों।